कि अब जो खरीदने का मूड बना रहे हैं उनके लिए कुछ और बेहतरीन पिक्स, भसीन साहब ने तो बता ही दिया उनको क्या पसंद है। आशीष जी हमारे साथ हैं, आशीष जी आप भी अपनी पसंद के कुछ बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स बताइए मिड कैप्स के अच्छे। कुछ पांच छह स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और छह महीने में एवरेज 20% का कम से कम रिटर्न दे सकते हैं जी। सबसे पहला स्टॉक रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स। मेरा मानना है जो उनके लास्ट क्वार्टर के नतीजे थे काफ़ी अच्छे नतीजे थे और अब इस स्टॉक की री रेटिंग हो रही है क्योंकि सारे जो एक्साइटिंग सेक्टर है उसमें कंपनी ऑपरेट करती है, चाहे सीमेंट हो, टेक्सटाइल हो, रेयन हो, पेपर हो, और इन सारे सेक्टर्स का परफॉर्मेंस अभी काफ़ी अच्छा आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो ये 1600 रुपये तक का प्राइस टारगेट रहेगा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसा मैंने अपने लास्ट शो में भी रिकमेंड किया था कि एक ये स्टॉक है जिसको अभी जो उसकी वैल्यू है पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं हुई है। लास्ट क्वार्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, बोनस दिया यूएस में, उन्होंने नए टाइप किए हैं, ई व्हीकल्स का ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च होगा डेट्रॉइट में, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन से हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो 1600 रुपये से ज़्यादा का प्राइस टारगेट इसमें भी आ सकता है। तीसरा स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। मेरा मानना है Q2 के नतीजे जरूर उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, बट आगे आने वाले समय में हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है क्योंकि जो नवी मुंबई हॉस्पिटल है वो जिसके लॉसेस के कारण से Q2 खराब हुआ, Q3 में वो एक्सपेक्टेशन नहीं है और इस स्टॉक की री रेट। पिछले दो तीन दिन में हमने देखा एक अच्छा खासा राइज भी देखने को मिला है, तो इस स्टॉक में मेरा टारगेट करीब 1350 रुपए का रहेगा और इनफैक्ट अभी भी अपने 50 डिग्री हाई से स्टॉक 300 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल अब क्योंकि सेक्टरल चर्निंग हो रही है तो अपोलो हॉस्पिटल जैसा स्टॉक बिल्कुल वैल्यू बाइंग है। इसके अलावा टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो जरूर आज 52 वीक हाई पर है बट मुझे अभी भी काफ़ी पसंद है क्योंकि जो नतीजे लास्ट क्वार्टर के थे वो फिनोमिनली अच्छे नतीजे थे और आगे जैसा उनका एम्बिशियस टारगेट है कि इस साल में करीब 18,000 करोड़ तक की सेल कंपनी बुक करेगी वॉचेस में, ज्वेलरी में और एसेसरीज में, और काफ़ी कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल है और जो भी उसके साथ में सेक्टर के साथ में निगेटिविटी थी वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, तो इस स्टॉक में करीब 200 रुपये की राइज मुझे अगले 6 महीने में नज़र आती है। इसके अलावा एक आदित्य बिरला कैपिटल, ये एक ये स्टॉक है जिसमें भी काफ़ी कम मोमेंटम हुआ है और जैसा आज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का यदि आप मार्केट कैप देखें तो 80,000 करोड़ रुपए हो गया है और आदित्य बिरला कैपिटल से 45,000 करोड़ रुपए में जिसमें इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड, NBFC सारे बिजनेसेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे वैल्यू बाइंग नज़र आता है और 255 जो उसका 52 वीक हाई था मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में ब्रीच कर सकते हैं।